दोस्तों सबसे पहले इस जंगली बिल्ली को देखो जो हाथ धो के इस गिलहरी के पीछे पड़ी है। गिलहरी भी अपनी जान से लेकर अपने पिछवाड़े तक की बाजी लगाती है इस जंगली बिल्ली से बचने की, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी गिलहरी बिल्ली के हद तक चढ़ ही जाती है। लेकिन आप में से कितने लोगों को नहीं पता था कि गिलहरी काली भी होती है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अब कमेंट कर ही रहे हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दो। दोस्तों आपने तेंदुए को जंगली सुअरों के साथ तो छेड़खानी करते हुए देखा होगा, लेकिन आज पहली बार ये तेंदुआ इन जंगली सुअरों के हद तक चढ़ गया और जंगली सुअर भी इस तेंदुए को ऐसी ऐसी जगह चुम्मा दे रही है। इतना तो पक्का है कि अगर ये तेंदुआ जिंदा बच गया तो कभी जंगली सुअरों को सपने में भी देखना पसंद नहीं करेगा, लेकिन सपना तो तब देखेगा जब ये तेंदुआ यहाँ से जिंदा बच के निकल पाएगा, क्योंकि सुअरों के गुस्से से तो ऐसा लग रहा है कि आज ये इस तेंदुए को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब दोस्तों गधा तो गधा ही होता है, चाहे क्यों ना उसके आगे छिपकली हो या बड़ा सा मगरमच्छ, लेकिन देखने में तो ऐसा लगता है कि मगरमच्छ इस गधे से पंगा नहीं लेना चाहता, बल्कि गधा ही इस मगरमच्छ के पास आकर इसे उंगली करने की कोशिश कर रहा। खैर आगे जो भी हुआ, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि मगरमच्छ के लिए ये गधा कोई खतरा है, क्योंकि गधों की जब फटती है तो वो ऐसे भागते हैं। आज तो शिकारी खुद शिकार हो गया। ये भाई साहब बिना कोई आवाज करे रोज जंगल में घुसकर एक दो जानवर को अपनी बंदूक से मार देते थे, लेकिन इस हिरन ने इन्हें ताड़ा हुआ था। और अब आप इसकी हालत देख ही सकते हैं, क्योंकि हिरन अपने लात से आज अपने सारे भाइयों का बदला ले लेगा। लेकिन यहाँ तो ये आदमी और बुरा फंस गया, क्योंकि बारहसिंगा की सींग तो इस आदमी को चीर फाड़ सकती है, लेकिन इंसान दिमाग के तेज होते हैं, क्योंकि मौका पाते ही ये आदमी तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है। अब ये सियार चुप्पे से पेड़ पर चढ़कर चील के खाने को वहाँ से चुराने की कोशिश करता है, लेकिन खींचा तानी में खरगोश का सर उखड़कर सियार के मुंह में आ जाता है। और इससे पहले कि चील वहाँ पर आती, सियार वहाँ से निकल लेता है। और जब चील वहाँ पहुँचती है तो आधा खाना देख उसकी भूख मर जाती है और वहाँ से उड़ जाती है, जिसके पास सियार उस आधे खरगोश को भी पेड़ से उतार कर भाग निकलता है। अब ये जेब्रा बार बार जिराफ के आगे पीछे बार बार उछले ही चला जा रहा था। जब जिराफ को लगा अब ज्यादा हो रहा है तो जिराफ अपनी गर्दन घुमा के मारता है, जिससे जेब्रा तुरंत सरेंडर हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे वीडियो की थोड़ा रीच बढ़े। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।